नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 17 जुलाई 2019, और यहां पर हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पर खड़ा है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो आज करना ज़रूरी भी है। देखना पड़ेगा लेवल कौन सा सपोर्ट पर खड़ा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। और यहाँ पर मैं प्राइवेट बैंक और PSU बैंक दोनों स्टॉक्स की एनालिसिस, दोनों सेक्टर की एनालिसिस एक साथ कर दूंगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक का ही एनालिसिस कर लेते हैं, पूरा इंडेक्स का ही एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। ये चार्ट ओपन हो रहा है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का दोस्तों चार्ट ओपन हो चुका है, 200 DMA को प्लॉट कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये 200 DMA है, यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक में वही गैप अप ओपनिंग हुआ है, अभी भी स्टॉक गैप अप ही है, यानी इंडेक्स गैप अप ही है यहाँ पर इसने क्या किया, अभी बिल्कुल एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, बिल्कुल रेंज बाउंड, कहीं नहीं जा रहा ये स्टॉक। आपको मार्केट बीच में 100 पॉइंट 150 पॉइंट का दिखाता होगा मूवमेंट, लेकिन एक्चुअली ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है ना। और ये रेंज जो है इसकी बैंक निफ्टी की, अगर रेंज हम लोग बताएं तो आपको कल भी मैंने बताया था कि ये बैंक निफ्टी लगभग देखिए 700 साढ़े 700 का रेंज बनाया हुआ है, यानी इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो 750 का टारगेट देगा, जो कि आपको टारगेट कितना आ रहा है, 31,700 का टारगेट आ रहा है। कितना का आ रहा है, 31,700 का, लगभग ऊपर के साइड में टारगेट 720 का आ रहा है। यानी ये जो रेंज है 700 का, 720 का, 750 का जो रेंज फंसा हुआ है, ये उसके ऊपर जब भी निकलेगा तो 720 का टारगेट दे के जाएगा। लेकिन अगर मान लेते ये ऊपर नहीं निकलता है, उसी को ये अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तब अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दे तो ये जो गैप बनाया हुआ है ना इंडेक्स ने, ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ है, इस गैप को फिल करने के लिए ये आएगा, फिर हमारा रेंज कितना आ जाएगा, 29,600 का। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट बिल्कुल एक रेंज बाउंड है, तो कल के लिए अब हमारा इसमें क्या पोजीशन होगा, पोजीशन दोस्तों आज के हाई के ऊपर, ध्यान रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी कल 30,820 के ऊपर निकलता है तो आपको लगभग ये जो टारगेट है 30,880 का वो दिखाएगा, ठीक है, 30,880 का लेवल। अगर ये आज के हाई के ऊपर कल ट्रेड करता है तो, और वहाँ पे 5 से 10 मिनट 15 मिनट सस्टेन करता है, तो आपको 30,880 का लेवल बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ पे दिखा दे। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपना रिसर्च एनालिसिस खुद कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें। मैं सिर्फ आप अपना रिसर्च एनालिसिस दिखा रहा हूँ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए। तो 30,880 या 30,900 ज़्यादा बेस्ट हो तो 30,900 का लेवल दिखाएगा, लेकिन कब, जब ये आज के हाई के ऊपर कल ट्रेड करना शुरू करेगा। और आज का हाई कितना है, 30,800, यानी 30,810 30,820 के ऊपर अगर ये 5 से 10 मिनट सस्टेन कर जाता है तो ऊपर की तरफ एक लेवल मिलता है। 15 मिनट ज़्यादा सेफली आप लोग रखें तो 15 मिनट अगर सस्टेन कर जाता है तो 30,900 के लेवल दिखाएगा। लेकिन अगर 30,900 को कल ब्रेक कर देता है, 30,900 को कल अगर ये ब्रेक करता है तो बहुत तेजी से आप देखेंगे कि 31,000 का लेवल, 31,000 का लेवल बहुत फास्ट आपको दिखाएगा, और 31,200 का लेवल बहुत फास्ट दिखाएगा। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है 30,900 को ऊपर की तरफ क्लोजिंग बेसिस पे, तो बैंक निफ्टी, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन का वापस से इसने भी सपोर्ट बना के रखा है, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, एक ट्रेंड लाइन का नीचे से इसने भी सपोर्ट बना के रखा है। नीचे आने के लिए वही है दोस्तों, 30,500 को अगर ये कल 30,480 ज़्यादा बेस्ट रहेगा, 30,480 को अगर ये ब्रेक करता है तो एक आपको शॉर्ट टर्म में एक टारगेट नीचे सेल साइड में दिखाएगा, वो है 30,150 का। और अगर 30,150 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो फिर ये जो गैप फिल करने आ सकता है, जो कि 29,500 का लेवल आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू। अब शुरू करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस। सबसे पहला स्टॉक्स है एक्सिस बैंक का। देखिए, मैंने कहा था ये टू, यहाँ पे जो इसको सपोर्ट है, सॉरी मैंने सारा डिलीट कर दिया, यहाँ जो सपोर्ट है इसके पास है ना, इसके नीचे इसने क्लोजिंग किया, फिर कल एक मूवमेंट ऊपर की साइड दिया, लेकिन आज इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए था। अगर इसको पॉजिटिव जानना है तो इसको आज कल के हाई के ऊपर ट्रेड करना चाहिए था, क्लोजिंग भी ऊपर करनी चाहिए थी, क्लोजिंग इसने वापस इस 760 के नीचे कर दिया, यानी कि हमारा जो है अभी भी सेल साइड में ओपन है पोजीशन, सेल साइड में टारगेट ओपन है, और वो टारगेट लगभग 720 का आएगा शॉर्ट टर्म में। अब दोस्तों, यहाँ पे जो भी बताऊंगा वो पोजिशनली बताऊंगा, जिसमें इंट्राडे रहेगा मैं बोल दूंगा कि वो इंट्राडे के लिए, तो ये 720 का पोजिशनली टारगेट दिखा सकता है। अगर ये ट्रेड करने लगता है 745 के नीचे एक्सिस बैंक, तो पोजिशनली। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा का। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल इसी रेंज में ऊपर नीचे करता हुआ चल रहा है अभी। एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा नो ट्रेडिंग जोन में, कहीं नहीं जा रहा,
अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, ये भी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। इसको अगर ब्रेक करेगा 130 को तो एक टारगेट दे के जाएगा आपको लगभग 135 रुपये का शॉर्ट टर्म में। अगर 130 को ब्रेक करता है तो 135 तक का टारगेट देगा। दूसरा टारगेट 143 रुपये यानी 143 का हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, लेकिन कब, जब ये 130 को ऊपर की तरफ क्लोज करेगा तब। अगला स्टॉक है फेडरल बैंक, इससे अभी फिलहाल दूर रहिए। एक मिनट दोस्तों, तो फेडरल बैंक दोस्तों अभी नो ट्रेडिंग जोन में, बिल्कुल ये भी एक रेंज में फंसा हुआ है, तो अभी फिलहाल फेडरल बैंक से हम लोग दूर रहेंगे। नीचे एक सपोर्ट है 100 का, यानी 100 रुपये को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो टारगेट निकल के आएगा 95 का, फिर ओपन हो जाएगा टारगेट। इसलिए 100 के नीचे जब ऊपर जब तक बना हुआ है पॉजिटिव है, 100 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा 95 का टारगेट दे के जाएगा। HDFC बैंक अगला स्टॉक है दोस्तों। HDFC बैंक बिल्कुल देखिए कल एक्सपायरी है, याद रखिएगा कल एक्सपायरी है, और HDFC बैंक ये यही बैंक है जो बैंक निफ्टी को बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे मूव कराता है। HDFC बैंक, इसके साथ साथ ICICI बैंक, ये दो बैंक, तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज में जब तक ये स्टॉक्स रहेगा आप लोग को अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करके इसको चलना है। ऊपर की तरफ अगर ये 2425 को ब्रेक करेगा तो शॉर्ट टर्म में टारगेट दे के जाएगा 2470 का, और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है 2360 को 66 को सॉरी 2360 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है या 2365 को, तो नीचे की तरफ एक टारगेट 2360 से 2065 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसलिए 2360 ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर 2360 को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ एक शॉर्ट साइड का सेल है पोजिशनल, वो बनेगा 2310 रुपये का आसपास में। ICICI बैंक सेम HDFC बैंक की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये आज इसने अपने लोअर साइड में आके क्लोजिंग किया, कैंडल बनाया ही नहीं, बिल्कुल रेंज बाउंड है ये मार्केट स्टॉक्स। तो याद रखिए जब तक स्टॉक 420 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो टारगेट आपको 410 का ओपन हो जाएगा। 420 को ब्रेक किया तो 410, और अगर ऊपर ब्रेक किया 436 को ब्रेक किया तो 444 तक का टारगेट ICICI बैंक आपको दिखा सकता है। इस रेंज में जब तक रहेगा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। IDFC फर्स्ट बैंक, ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए नहीं है, इसलिए जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है आप वो कर सकते हैं। तो इसका बार बार चार्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं, एक स्टॉप लॉस बनेगा अगर आप लोग ले रहे हैं या लेने वाले हैं या ले चुके हैं, तो 40 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगेगा या 39 का आप लगा सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक अगला स्टॉक है दोस्तों। तो इंडसइंड बैंक बिल्कुल ये भी इंडसइंड बैंक भी एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर रेंज क्या हो तो ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, नीचे से देखिए एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बार बार स्टॉक, ये डेली का चार्ट है ध्यान रखिए, और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। ये ट्रायंगल पैटर्न, इसको थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग बढ़ा दें तो बिल्कुल ट्रायंगल पैटर्न आपको दिखेगा। इस ट्रायंगल पैटर्न के लोअर साइड में चाहे क्लोजिंग होना चाहिए या अपर साइड में क्लोजिंग होना चाहिए, ये बीच में है, तो अभी जब तक बीच में तो इसको रहने देते हैं, हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ऊपर निकलेगा दोस्तों 1545 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, टारगेट आपको 1600 का इमीडिएट बहुत तेजी दिखाएगा। हो सकता है जब भी ये 1540 को ब्रेक करे 45 को ब्रेक करेगा तो 101 से 2 दिन में आपको ये 1600 का टारगेट दिखा सकता है। नीचे की साइड अगर ये ब्रेक करता है 1445 को तो फिर जो लेवल दिखाएगा वो लगभग लगभग 1400 का दिखाएगा, यानी 1400 का दूसरा लेवल 1350 रुपये का हो जाएगा। कोटक बैंक, देखिए कोटक बैंक को कल भी जब बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस कर रहा था कल ही मैंने बोला था नज़र रखिए, ये ज़बरदस्त ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, और आज इस स्टॉक्स ने कितना परसेंट, 3% का मूवमेंट दे दिया है ना, 2.5% का मूवमेंट एक दिन में अचानक अकेले दे दिया। जो टारगेट मैंने कल दिया था 1550 का, इसने आज हाई लगाया है 1546 रुपये का, यानी कि जो टारगेट 1545 से 50 तक का दिया था उसमें 1545 का टारगेट अचीव हो चुका है। कल वाला अगर आप बैंकिंग स्टॉक देखेंगे वीडियो, उसमें मैंने कोटक बैंक के बारे में बताया हुआ था। तो अभी स्टॉक में एक मूवमेंट और मिल सकता है दोस्तों, अगर ये आज के हाई के ऊपर अगर कल ट्रेड करता है तो आपको लगभग 1580 रुपये का टारगेट आराम से मिल सकता है इस स्टॉक्स में। अगर ये आपको 1550 के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिलता है तो 1580 तक के टारगेट आपको बहुत तेज़ी से कोटक बैंक दिखाएगा, और अगर इसको नीचे जाना है तो वापस से इसको जब तक ये 1510 को ब्रेक नहीं करे नीचे की साइड में, नहीं ये नीचे साइड में नहीं आएगा, यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होगा अब इसका 1510 होगा। PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, इस स्टॉक से फिलहाल तो दूर रहिए आप, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड स्टॉक है, कभी कोई स्कैम आ जाता है कभी कोई स्कैम, तो वापस से स्टॉक ने लंबी बड़ी गिरावट, गैप डाउन ओपनिंग और एक प्राइस चैनल में फंस गया ये स्टॉक। तो इस जब तक इस प्राइस चैनल के ऊपर नहीं निकले बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, यानी कि अगर ये 78 के ऊपर क्लोज करता है तो एक टारगेट लगभग लगभग 83 का दे के जाएगा। अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है 74 को तो फिर ये आपको वापस से 70 तक के टारगेट सेल साइड में दिखा सकता है। RBL बैंक, तो चलिए RBL बैंक को भी देख लेते हैं।
ये अब सस्टेन कर रहा है, बड़ी गिरावट दो दिनों तक कंटिन्यू बड़ी बड़ी गिरावट देखा। नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यही जोन इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यानी स्टॉक अभी भी देखिए ये कैंडल बन गया, इसका तो ये नहीं कि ये पॉजिटिव हो चुका है। इसका टारगेट नीचे के सेल साइड में ओपन है 540 रुपये का, ठीक है 540 तक के टारगेट ये दिखा सकता है, लो लगा दिया है 565 का, अभी भी इसका 540 का टारगेट ओपन है। पॉजिटिव तब बनेगा दोस्तों जब ये 620 के ऊपर क्लोज करेगा, उसके पहले कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगा। अगर 620 के ऊपर क्लोज करता है तो टारगेट हमारा 660 रुपए का देखने को मिलेगा पोजिशनली। तो अगला स्टॉक है दोस्तों SBI, देखिए SBI बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस को फेस करने आ चुका है, धीरे धीरे अपसाइड में तो जा रहा है। मैंने 380 और 400 का टारगेट दिया हुआ था पोजिशनली, तो 380 को लेवल को ये टच करने आ रहा है, यानी आज के हाई के ऊपर अगर ये कल ट्रेड करता है, यानी कि 375 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 380 तो इंट्राडे में ही आपको दिखा सकता है SBI। तो ये बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, नज़र रखिएगा कल के लिए। यस बैंक फिलहाल दूर रहिए इस स्टॉक से, फिलहाल के अभी तत्काल एकदम 80 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। 80 अगर ब्रेक करता है नीचे की साइड में निकल जाइए, एकदम बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन में, और इससे दूर ही रहिए। जिन लोगों ने पोजीशन पहले बना कर रखा है तो कृपया कर 80 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ये तो हुआ दोस्तों प्राइवेट बैंक, सॉरी बैंक निफ्टी में शामिल एनालिसिस, स्टॉक की एनालिसिस। इसके बाद अलग से एक बैंकिंग स्टॉक है जो PSU बैंक है ना, PSU बैंक। चलिए PSU बैंक में मैं अलग अलग बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस कर देता हूँ, ये आसान हो जाएगा, ठीक है। PSU बैंक में सबसे पहला है अलाहाबाद बैंक, यानी सारे बैंक जो है अब सरकारी बैंक है, तो सरकारी बैंक की एनालिसिस हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। अलाहाबाद बैंक नो ट्रेडिंग जोन में पोजीशन, अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं, कि स्टॉप लॉस लगेगा 38 का, लेकिन मेरे मानना है कि अगर ये 38 के आसपास मिले तो ज़्यादा सेफ रहेगा, अभी बिल्कुल इसमें हाथ नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह आंध्रा बैंक भी है सेम, कल भी यही चीज़ था कि आंध्रा बैंक जब तक इस लेवल के ऊपर है 22 के ऊपर बने रह सकते हैं, 22 को ब्रेक करेगा 18 रुपये का टारगेट, 22-18 का टारगेट, यानी 20 से 18 रुपये का टारगेट आपको सेल साइड में दिखाएगा शॉर्ट टर्म में। किसी को इन्वेस्टमेंट करने पर्पज से बिल्कुल सही लेवल पे है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टारगेट मिलेगा 23 रुपीज़ का। बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसा कि मैंने अभी बता दिया बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस में, 130 के ऊपर ब्रेक करेगा तो ही टारगेट आपको 143 रुपये का मिलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में 140 और 143 का टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया, चलिए इसको भी देख लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया को एक ही कैंडल के शेडो में ट्रेड कर रहा है, ये बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं दोस्तों, इस बड़ी कैंडल के शेडो में ट्रेड कर रहा है। जब तक इस कैंडल के शेडो में है हमें कभी इसमें पोजीशन नहीं बनाना, याद रखिए। नीचे की साइड में अगर ये 80 को ब्रेक करता है, 81 को ब्रेक करता है तो 78 का टारगेट होगा शॉर्ट टर्म, 76 का। अगर ये 80 को ब्रेक करता है सेल साइड में नीचे की तरफ, तो ऊपर अभी बहुत टाइम दूर है, दिल्ली दूर है इसको ऊपर जाने में। जब तक ये ब्रेक नहीं करे 98 को कोई लॉन्ग पोजिशन नहीं बनेगा। केनरा बैंक ये 300 के ऊपर दोस्तों, 300 के ऊपर निकलेगा स्टॉक, एक अच्छा मूवमेंट आपको देगा जो 320 और 340 तक का टारगेट दिखा सकता है केनरा बैंक। अगला स्टॉक है IDBI, इसमें भी अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, इससे अभी फिलहाल दूर रही है IDBI से, ठीक है। बहुत पुराने टर्म पे शॉर्ट टर्म, बहुत ही पुराने सपोर्ट प्राइस पे आके ये स्टॉक रुका हुआ है, अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो अभी इस स्टॉक को बिल्कुल अभी दूर रहिए, कोई भी जोन में ये नहीं है, एक रेंज बना लिया है इस स्टॉक ने ऊपर। ज़्यादा ज़्यादा अगर ये 35 को ब्रेक करेगा तो आपको 37 का टारगेट देगा, नीचे अगर 33 को ब्रेक करेगा तो 31 या 30 का टारगेट दिखा सकता है। इंडियन बैंक फाइनली इस ट्रेंड लाइन को कल इसने क्लोज किया नीचे की साइड में, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को जो मैंने ड्रॉ किया था, कल भी बताया था, इस ट्रेंड लाइन को क्लोज किया है तो उसके नीचे ही अब ये कमज़ोर हो चुका है। अब जो ये टारगेट देगा, मैंने बताया था पहला टारगेट 222 रुपये का, 23 रुपये का होगा, तो आज इसने लो लगाया 226 का, और अगला टारगेट होगा 205 रुपये का। तो अभी भी हमारा टारगेट ओपन है, यानी कि टारगेट 220 और 205 का टारगेट ओपन है इंडियन बैंक में शॉर्ट टर्म में। अगला स्टॉक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स दोस्तों, नो ट्रेडिंग जोन में, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, अगर 80 के आसपास मिलता है यहाँ से बाउंस बैक लेते हुए तो एक पोजीशन बनेगा जो कि 88 का लगभग टारगेट दे सकता है, लेकिन यहाँ पर मिले तो उसके पहले बिल्कुल भी नहीं, यानी 80 के आसपास में। PNB अभी मैंने PNB बता दिया है कि ऊपर अगर निकलता है PNB, इसको ब्रेक करेगा 76 को, तो ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट आपको 83 तक का या 82 तक का टारगेट दे सकता है, ऐसे आप इग्नोर कर सकते हैं ज़्यादा अच्छा। SBI बिल्कुल ब्रेकआउट की तैयारी, 380 का टारगेट देने के लिए रेडी हो रहा है, और दूसरा 400 का पोजिशनली। सिंडिकेट बैंक, चलिए इस बैंक से भी फिलहाल दूर रहिए सिंडिकेट बैंक से, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे 42 को ब्रेक करेगा दोस्तों तो 45 रुपये का टारगेट देगा। यूनियन बैंक,
यूनियन बैंक जिस लोगों ने पोजीशन बना कर रखा है, कृपया 68 का स्टॉप लॉस होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए, और उसके पहले अगर किसी ने और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 58 का बहुत ही मल्टी ईयर सपोर्ट है इसका पास, 58 का आप उसके पास होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। फिलहाल 68 का स्टॉप लॉस लगेगा, अभी हमारा कोई भी नया पोजिशन इसमें नहीं बनेगा। नया पोजिशन कब बनेगा? जब ये ऊपर की तरफ 85 को ब्रेक करेगा तब। इसके अलावा देख लेता हूँ दोस्तों, कोई और बैंक अगर छूट गया हो तो मैं उसकी भी एनालिसिस कर देता हूँ, पूरा बैंक स्टॉक्स में प्राइवेट बैंक में चेक कर लेता हूँ, एक्सिस, फेडरल, HDFC, ICICI, HDFC, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, RBL बैंक, ये भी हो गया, साउथ इंडियन बैंक एक रह गया, इसको मैं देख लेता हूँ। सर एकदम 11 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को, साउथ इंडियन बैंक को, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। तो लगभग दोस्तों मैंने बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस कर दिया है, अगर एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।